देखो बच्चों, आज का चैप्टर वर्ब्स स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो वर्ब्स के पहले आपने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तीनों अगर कंप्लीट है तो इसके बाद चौथा चैप्टर आपको बिल्कुल अंडरस्टूड होता है। लाइव वाले बच्चों को ये हमारा आग्रह है कि वो स्क्रीन पे जाके या कल परसों में जब भी टाइम उनको मिले, हम यहाँ से अपलोड कर देंगे, तो लेक्चर को एडजेक्टिव को देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, आपका ये वर्ब्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वर्ब्स का मतलब बताइए, जैसे आप लोगों ने तो पढ़ाई है, तो उसका मीन्स, व्हाट आर मीन ऑफ वर्ब्स। पहले सबसे पहले देखो, एक चीज़ पे फोकस कर लें, जो चीज़ हमने तुम्हें पहले ही बताई थी कि इसको अपनी भाषा में तुम लोग क्या पढ़ते क्या हो। अब देखो, आधे इसको क्या पढ़ लेते हैं, इसको वर्ब पढ़ लेते हैं, यानी ये यहीं से पूरा क्रॉस हो जाता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो ऐसे समझ लीजिए, इसका जो आर होता है वो आपका क्या होता है, वो साइलेंट होता है। आर क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा, तभी आप इसको क्या पढ़ पाएंगे, वर्ब पढ़ पाएंगे। इसकी जो हिंदी में इसको कहते हैं, इसका वर्ब को क्या कहेंगे हिंदी में, क्रिया बोलते हैं। अब ये रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी चीज को, ठीक समझे, इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वर्ब्स को अगर देखा जाए तो अपनी भाषा में हम इसको क्या करते हैं, जैसे एक्शन, एक्शन का मतलब तो पता ही होगा, एक्शन का मतलब, एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने एक रूप धारण कर लेना। जैसे तुम सो रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो, वो क्या होता है, उस टाइम का सिचुएशन, उस चीज़ को धारण कर लेना, उसी को हम एक्शन। अब देखना वर्ब्स का मतलब क्या होगा, एक्शन। अगर तुम्हें वर्ब्स नहीं पता है तो वर्ब्स के बाद अगर आपका हमने स्टार्ट किया एडवर्ब, तो है तो इसी से जुड़ा, तो कैसे समझ में आएगा। जब वर्ब्स नहीं आएगा समझ में तो एडवर्ब क्यों आएगा। भाई सीधी सी बात है, आप यहाँ से एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे आपने जब नाउन पढ़ा तो नाउन को आपने क्या, एक चीज़ सिंपल सा फंडा था, नाउन का डेफिनेशन में ना आके, देखो बड़ा बड़ा लिख दें, छोटा नहीं समझ में आता, जैसे का नेमिंग बर्ड्स, क्या लिख के आता था, नेमिंग बर्ड्स, तो नाउन आपका ख़त्म हो जाता है ना भाई। ये छोटी छोटी चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, आप उस पर कैमरे की तरफ ध्यान ना दो कोई मतलब नहीं बनता, आप अपने चैप्टर पर फोकस करो, वो चलता रहता, ठीक। आप अपने इस पर देखो, इसीलिए हम आपको उसी बेस पर लेके चल रहे हैं। अभी कहाँ स्टार्ट किया था, अब देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बस ये चीज़ याद रखो, तुम अपने अकॉर्डिंग चलो। अब देखो नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन के बाद क्या आता है भैया, प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन का जो नेम्स बनता है वो कैसे बनता है बताइए, रिप्लेस ऑफ नाउन, यही तो पढ़ा है आपने। अब नाउन प्रोनाउन के बाद तुरंत आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ा। तो अब ये किसको क्वालिफाई करेगा, मेरी बात समझना, ये किसको क्वालिफाई करेगा। अब देखना, एडजेक्टिव उसी को कहते हैं हम जिसको वो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज किसको किसको करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ये इतना समझ लिया जिस बच्चे ने, समझ लीजिए ये तीन चैप्टर अगर आपके क्लियर हो गए तो आपका वर्ब क्लियर होगा, ना यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाता है। तो लाइव वाले मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, उनको सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो नहीं देख पाए, अच्छी बात है, देख रहे बहुत अच्छी बात है, चुपचाप जाके डाउनलोड कर लें एडजेक्टिव, आराम से देख लें, ये सारा समझ में आ जाएगा, कोई चीज़ तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इतना क्लियर हुआ, अब हम लोग अपने टॉपिक पे यथा स्थान पर पहुंच जाते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, किस पे पहुंच जाते हैं। देखो पहली बात तो वर्ब को क्या पढ़ा आपने, वर्ब पढ़ा, चलो गौर से देखो, इसके बाद इसको रिप्रेजेंट किसी को नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट किसी को नहीं करते, रिप्रेजेंट सिर्फ होता है, प्रेजेंटेशन कह सकते हो, तो वो एक्शन होता है। अगर अपनी भाषा में तुम लोग कहो तो ये रिप्रेजेंट का मतलब दोबारा से ये किसी को नहीं लाता, प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, एक्शन को प्रेजेंट करता है, भाई सीधी सी बात है। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ, अब देखना वर्ब का डेफिनेशन कैसे, देखो एक एक सिंगल शब्द में ख़त्म कर रहा हूँ, नाउन
तुम्हें टीचर पढ़ाएगा नाउन इज द नेम अ पर्सन प्लेस आर थिंग। आपको क्या पढ़ा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स में क्या है कि आप आंखें खोले हो तो सब नाउन दिख रहा है, बंद करे हो तो नाउन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आंखें खोला आपने, मैं दिखा, प्रॉपर नाउन। बोर्ड दिखा आपका, मटेरियल नाउन। हाथ में पेन है, बुक्स है, मटेरियल नाउन। आंखें बंद करी तो अंधेरा मिला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खोल दिया तो उजाला मिला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को ऐसे क्लियर करा। अब प्रोनाउन को कैसे क्लियर करा कि रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन को हटाओ, जो नाउन की जगह को कवर कर ले वो प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव क्या है? अब दोनों को क्वालिफाई कर ले, नाउन और प्रोनाउन को। जब ये तीनों चीज समझ में आई तो ऑटोमेटिक आपको वर्ब समझ में आ जाता है। जैसे आपने देखा ये प्रेजेंट किसको करेगा? एक्शन को। जैसे हमने कह दिया कि मैं लिख रहा हूं, क्या मैंने कह दिया? मैं लिख रहा हूं, मेरी बात समझना। और वैसे तो वर्ब साथ पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, कहो 8 10, वैसे तो दो ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। और देखना जब तुम आज पढ़ोगे मॉडल, प्राइमरी, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, मतलब 10 11 तो हम निकाल के रखेंगे वर्ब्स, फिर तुम्हें सबके बारे में बताएंगे। लेकिन क्या है, अगर टाइम टेंस ठीक से आता है तो वर्ब सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो मैं लिख रहा हूँ तो कैसे बनेगा भैया? देखो आई एम राइटिंग, यही तो बनेगा, नहीं बनेगा? तो मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, तो एक चैप्टर मैं यहीं से खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा लेकिन उसको बीच में मैं बताऊंगा जरूर आपको। यहीं से देखो, जैसे इसमें आपको सब्जेक्ट मिला और क्या मिला, यानी हेल्पिंग वर्ब्स, और इसके बाद क्या मिल गया आपको? मैन वर्ब्स। इतने ही तो मिला, यानी इतना मिल गया, यानी आपने देखा कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मेरी बात समझ रहे? और जहां पर ऑब्जेक्ट जिस भी संविधा में नहीं मिलता है, कोई भी सिचुएशन हो, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तब वो कौन सी वर्ब बनती है? कौन सी वर्ब? तुमने तो पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब गौर से देखो, कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं तो कैसे पता हो जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपको कौन सी वर्ब मिलेगी मालूम है? इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी मिलेगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला, देखो आई एम राइटिंग अ बुक, अब क्या कर रहा है? मैं एक किताब लिख रहा हूं, यानी अब आपको ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट जैसे ही मिला तो अब कौन सी वर्ब हो गई? अब गौर से देखो, एक सेंटेंस मैंने पूरा नहीं किया और आपके सामने ढेर बना दिया। देखो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। अब देखना इधर, ऑब्जेक्ट में जो मिल गया उसको हमने एक बार कह दिया ट्रांसिटिव वर्ब, और अगर ये नहीं होता है तो आपका पूरा ये क्या बनता है? इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इतना समझ में आया? चलो अब इसके बाद हम लोग आगे से एकदम स्टार्टिंग से ले चलते हैं, क्योंकि बीच बीच में दे देंगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो वर्ब्स का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब प्रेजेंट करेगा एक्शन को, ये किस चीज को डिनोट करेगा? जैसे एक्शन का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन, जैसे अभी आपको मैंने लिख के बताया, जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। चलो गौर से देखो, सबसे पहले नंबर एक पे चलता है, आप समझते जाना बस, प्राइमरी वर्ब। क्या वो चलेगा? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स में सिंपल रूप में क्या क्या होता भैया? बी, डू, और क्या होता है? हैव। अब इतना भी नहीं पता बेटा, नोट बिल्कुल ना करो, हम टाइम देंगे तुम्हें, मेरी बात समझ रहे? हम टाइम देंगे, अगर ऐसे नोट करो तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो अभी तक तुमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी, और टीचर्स ने, हमारे प्यारे टीचर्स ने यही पढ़ाया, हेल्पिंग वर्ब्स और क्या पढ़ाया? मैन वर्ब। हाद है पढ़ा दिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इतना ही तो पढ़ाया। आप इन सबको साइड में रख दो, क्योंकि वो तो आप पर डे पढ़ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, हम दिखा भी रहे। लेकिन एक चीज गौर से पकड़ो, एक दिन जब हमने टाइम टेंस पढ़ाया था तब टेंस कितने बताए थे? टेंस कितने बताए थे? अरे भाई मेरे दो ही तो बताए थे,
तीन तो होते ही नहीं, एक तो फ्यूचर वाला तो मॉडर्न होता है, कहीं मिला प्राइमरी बल्ब्स में कहीं मिला, अब यहां से पकड़ सकते हो तुम, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो बेक ए ग्रेड का, हम ये नहीं कह रहे ए ग्रेड का इंग्लिश पढ़ रहे, आप उस चीज को हटाते चले जाओगे। गौर से देखो, क्या आप टेंस में ये चीज नहीं पढ़ते हो, बींग, हाँ या ना, बीन, और फ्यूचर में ये भी पढ़ लेते हो बी, बताओ नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो, कहीं तुम्हें सैल मिला आया, यानी फ्यूचर का खात्मा खत्म, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से है, प्राइमरी, याद करो सैल भी बिल भी लगता है, हैज बीन हैव बीन बिल हैव बीन सैल हैव बीन, और बींग पता, बींग का एक यूज कर लेते हैं, बींग का एक यूज ये कर लेते हैं, एक टेंस बना के दे दो तुम, ज्यादातर तुम लोग बोर्ड पे ध्यान देना, तुम इस पे कैमरे वैमरे फोकस मत करना, क्योंकि तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम उस पे जाओगे दिमाग अगर बट गया ना तो गोल हो जाएगा, इस पे ध्यान दो तुम बोर्ड पे, जैसे हमने कह दिया, गौर से देखो, रोड बन रहा है, बस इतना बता दो, समझ लो तुम्हें टेंस आते हैं, आज हम जान जाएंगे तुम्हें टेंस आते हैं, प्रिंस रोड बन रहा है, बताओ, चलो मैंने मान लिया रोड इज बीइंग, और हाँ और बताओ, हाँ तुम बताओ रमेश बाबू, क्या होगा मेक, आप जो बोलो मैं रखता चला जाऊंगा, मैं आपकी बात को कैसे काटूंगा भाई, रोड इज बीइंग मेकिंग, दो आईएनजी मिल गए, मेकिंग द रोड, चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मेकिंग, बस यहीं से एग्जाम तुम्हारा निकल रहा है नहीं निकल रहा पता चल जाएगा, मेकिंग द रोड, चलो और कोई, कोई भी बच्चा कुछ भी जो आता है, देखो मैं तो खड़ा ही हूँ समझाने के लिए, आप केवल कहो, रोड इज बीइंग मेड, चलो रोड इज बीइंग मेड, चलो मैंने ये भी बना दिया, और कोई मेड की जगह क्या कर दें, चलो हम तुम्हारा भी रख लेंगे, क्योंकि हम गलत कैसे भाई दूसरे कर दें, उसने भी तो कुछ बोला होगा सोच समझ के, अभी और किसी का बचा हो तो बोल सकता है, गौर से देखो, अब ये ना कहना भैया ये क्या कर दिया, जब हमें ऐसी चीजें नहीं पता होती हैं ऑटोमेटिक पढ़ने का एक सिस्टम चेंज हो जाता, और ये तुम्हारी बात नहीं है, जो कहे अपने आप को मुझे टाइम टेंस खूब आते हैं, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछ, मैंने कुछ पूछा नहीं, मेरी बात अब तुम बस देखते रहो, परेशान ना हो, बिगेन हो बिगेन हो सब सामने अभी रख देंगे हम, टेंशन ना लो तुम, तो गौर से देखो, तुमने सारा का जोड़ लगा लिया, अब एक मैंने भी चैलेंज के साथ कह दिया, जब तुमने नहीं बता पाया तो ये कोई नहीं बता सकता, नहीं अब देखो रोड बन रहा है, अच्छा सही बताना, जब रोड बन रहा है तो अपने आप में रोड फिक्स होता जा रहा है, जितना बन गया, जो नहीं बना उसको छोड़ो, जो बन रहा है वो तो फिक्स हो रहा है, तो यानी फिक्स हो रहा है तो ऐसे हम कर सकते हैं, हाँ ना, जिसने द रोड लगाया सही है यहां तक, लेकिन सिस्टम नहीं सही है, द रोड तो सही है, क्योंकि रोड जो कंप्लीट है हमने द लगा दिया, अब उखड़ेगा तब उखड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, द रोड, अब देखना आपने क्या बनाया था, रोड इज बीइंग मेकिंग, मेकिंग द रोड, और रोड इज, अब बताइए आपकी मेन बब देखिए कितने प्यार से चल रही है, मेरी बात समझ रहे हो, ये सारी आपने बोली मैंने नहीं बोली, मेरी बात सुन रहे, आप कंटिन्यूअस का खेल देखिएगा, कि इतने में तुमको जब नहीं पल्ले पड़ा तो एक चीज देखो, हमने प्राइमरी बब्स को क्यों उठाया, इसलिए उठाया कि बी से क्या क्या तैयार हो रहा है, बी से एक शब्द तुमने बींग उठाया, अच्छा किया, मेरी बात समझ रहे, बींग उठाया अच्छा किया, चलो देखो
द रोड इज बींग, रोड बन रहा है तो बन रहा है। अब आपने यहीं पे सारा खेल अपना तैयार कर दिया, कोई बच्चा मेकिंग, कोई मेड, कोई कुछ ऐसा अपना जो बनाया सिस्टम बनाते रहे। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कह दिया तुमको भगवान ने बनाया, तो तुम अपने आप में क्या कहोगे? मैन्युफैक्चरिंग क्या कह सकते हो? मेकिंग, मेकिंग गॉड, रोड बन रहा है। याद करो एक शब्द जो छोड़ रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ होता है? बिल्डिंग में होता है। अब बिल्डिंग मटेरियल मान लो, रोड में मटेरियल नहीं लगता, मटेरियल नाउन की बात आ रही। तो अब देखो रोड बन रहा है, यानी जो बन रहा है उस पर फोकस करेंगे, ना कि बन रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो द रोड इज बीइंग, बन रहा है, और जो बन चुका है कंस्ट्रक्टेड। मेरी बात समझ रहे? जो रोड बन रहा है तो थर्ड फॉर्म याद करो, कंप्लीट काम थर्ड फॉर्म लेगा नहीं लेगा, और जो बन रहा है आईएनजी लेगा नहीं लेगा। कुछ बच्चे कि सर दो वर्ब्स आ गई, चलो दो वर्ब्स आ गई, अगर मैं कंस्ट्रक्टेड को काट देता हूं तो आपके पास कोई वर्ब्स है? भले ईडी ना लगाओगे तो ऐसे कर सकते हो कंस्ट्रक्शन, हाँ या ना? तो कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज हो गई। कंस्ट्रक्टेड का मतलब आपका क्या हो गया कि रोड है, आधा बन चुका है, आधा प्रोसेसिंग जारी है। देखो बी से निकला बींग, हमने अभी स्टार्टिंग बताया था। अब देखो द रोड इज बींग कंस्ट्रक्टेड, यानी रोड बन रहा है आईएनजी, और जितना बन चुका है कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टेड, कोई मतलब नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम तो ये होता है कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा, यानी पता नहीं झोपड़ी बन रही, लेंटर पड़ रहा, दीवार बन रही, पता नहीं। लेकिन यहाँ कन्फर्म क्या है? बस जब कन्फर्म है तो कन्फर्म लिए क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेकिन काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव एक्शन क्या है? इज। ये यहाँ तक आप सही थे, रोड इज बींग यहाँ तक सही थे। अगर बींग बी से तुमने उठाया बींग तो यहाँ तक तुम सही थे, आगे तुम गड़बड़। ये चीज ये मत पूछना सर क्यों पूछा, ये हम लाइव वाले बच्चों से नहीं पूछ रहे, ये हम पूछ रहे हैं जो हमारे बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं। चलो तुम्हारा क्या कहना है? रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। देखो अब तुमने ये कह दिया, अब तुम्हारे पास ऐसी कोई वर्ब है जो रहा रही सो कर रहा नहीं बोला सर, बींग। चलो तुमने अगर यहाँ पर बींग बोल दिया, मेरी बात समझ रहे? अब तुमने जो हैज लगाया है, हैज आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, मेरी बात समझ रहे? अब बींग क्या हो गया? मैन वर्ब हो गया। तो मैन वर्ब आपकी कितनी हो गई? फिर दो हो गई, दो उसमें भी दी। अब देखना आपने हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग दी है? सिर्फ एक के अकॉर्डिंग दी है, कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? हैज एब कहाँ आता है? कंप्लीट एक्शन में आता है, लेकिन आईएनजी भी तो देखो, पहले कंटिन्यूअस आएगा कि परफेक्ट आएगा? लेकिन आपने क्या धारा? कंटिन्यूअस परफेक्ट, तो हमारा एक कंटिन्यूअस तो चल रहा है, नो डाउट। लेकिन कंटिन्यूअस तो मैन वर्ब्स में हम परफेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स में अगर हम परफेक्ट शो कर रहे हैं तो यानी डबल गेम खेल रहे हैं हम। मैन वर्ब्स में तो कर सकते भाई, कंस्ट्रक्शन का आपने कंस्ट्रक्टेड कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ रहे? लेकिन आपने देखा जब इसको भी लाए हो, यानी हैज हैव कहाँ लगता? थर्ड फॉर्म, तो फिर आईएनजी को जबरदस्ती लाए। अब देखना एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, अभी तो काम चल रहा। उसके पहले मैंने क्या दिया था? द रोड इज क्या दिया था? बींग, और आपका ये शब्द पूरा उठा लिया था कंस्ट्रक्टेड। आपने देखा एक समझने वाली बात है कि आपका जब थर्ड फॉर्म मिला तब हमने ये चीज के थर्ड फॉर्म देखना, ये आईएनजी फॉर्म होता है, हाँ या ना? नहीं होता, आईएनजी फॉर्म आता है कंटिन्यूअस में, मेरी बात समझ रहे? तो पहले कंटिन्यूअस आता है या परफेक्ट आता है? परफेक्ट बाद में, नहीं समझे बेटा? सिक्वेंस हो गया,
अगर आप पहले परफेक्ट दे दोगे तो कोई मतलब नहीं, हमें चलना तो ऑर्डर में, डिसऑर्डर नहीं चलेंगे। पहले कंटिन्यूअस फिर परफेक्ट, तो कंटिन्यूअस क्या हमें नहीं मिला? आपको हम गलत नहीं कह रहे, आपने बनाने की कोशिश और अच्छा की, तो देखो कंटिन्यूअस मिला फिर उसके बाद परफेक्ट, यानी एक दो तीन चार ही तो आएगा, और आप पहले चार को रख दो फिर तीन को फिर एक को, तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? वो सिक्वेंस ऑर्डर डिसऑर्डर था। अब आप आगे बढ़ते हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं। वही है कि अगर आपने ना पढ़ा होता तो गड़बड़ होता। देखो गौर से देखो, डू मिला नहीं मिला? डू से क्या तैयार किया जाएगा और क्या तैयार किया जाएगा? फिर तो बहुत सारी चीज़ें, लंदन, बेल्डन, स्वीडन, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कंप्लीट में। आपने देखा थर्ड फॉर्म मिला नहीं मिला? सेकंड फॉर्म मिला? अब ये क्या मिला आपका? फर्स्ट फॉर्म मिला। देखो गौर से देखना, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, हाँ या ना? यानी तुमने देखा कभी फ्यूचर का जिक्र हुआ? बिल सेल तो आया नहीं, इसीलिए टेंस दो पढ़ाए थे। अगर हमने तुमको टेंस दो पढ़ाए हैं तो आपको आज प्रूफ होके मिलेगा, वब में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे प्रूफ होता। अब देखो भाई मेरे, अगर हमने इसको फर्स्ट फॉर्म दे दिया और इसको आईएनजी फॉर्म दे दिया, ये फर्स्ट फॉर्म दे दिया और ये क्या दे दिया? आईएनजी फॉर्म दे दिया, और तो ये किस फॉर्म में काम करेगा? थर्ड फॉर्म में। अब देखना कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, आईएनजी को थोड़ी देर के लिए फोर्थ फॉर्म नहीं मारे, फोर्थ फॉर्म होती नहीं है, मैंने सेकंड मान लिया, ठीक, बाकी तो ईडी लगा के सेकंड बनाते पता चल जाएगा। अब देखो गौर से, चीजें तुम्हें समझ में आती हैं कि जो प्राइमरी वर्ब्स क्या है, बी डू हैव है, प्राइमरी वर्ब्स क्या है, तो बी से रिलेटेड जितनी निकली, डू से रिलेटेड जितनी निकली, हैव से, ये बड़े पेपरों का खेल है, तुम्हारे में नहीं है। तुम्हारे में तो सिर्फ इतना आएगा, देखो ही हैव डन दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारे में तो सिर्फ इतना आएगा, और स्पॉटिंग एरर पूछ लिया जाएगा, जो हमने नहीं बताया तुम्हें पता हो गया। हैव की जगह क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये वर्ब्स कौन सी है? सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी है। मेरी बात समझ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव की जगह क्या मिल जाएगा तुम्हें? हैज। और आपने देखा हैज हैव कहाँ होता है? परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या आता है? थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी चीजें तुमने देखा कि कोई मतलब नहीं बनता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आपका क्लियर हो जाता है। गौर से अब हम दूसरी वर्ब से, प्राइमरी वर्ब समझ में आई, दूसरी पे चलेंगे। अभी कोई नोट ना करना, जब मैं फ्री हो जाऊं मैं बोलूं नोट करो तभी नोट करना, पेन मत चलाना। दूसरी आपको लिख के देते हैं, मैन बब्स। मेरी बात समझ रहे? मैन बब्स। अब मैन बब्स में क्या क्या होता है कोई बता? पहले अपने आप को चेक कर लो एक बार, मैन बब्स में क्या क्या होता है? मैन बब्स में ऐसे गिन गिन के थक जाओगे, हाँ या ना? थक जाओगे ना? तो देखना वो सारी चीज़ें उठा के पॉकेट में डाल लो, आज से थकना मना, तुम्हें मैन बब पता हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बब, सेकेंड फॉर्म ऑफ बब, थर्ड फॉर्म ऑफ बब। मेरी बात समझ रहे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ बब यस या फिर यस, और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ बब प्लस। अब बताओ कभी भूलोगे? मैन बब का यही रूप है। मैन बब का क्या रूप है? यही सारा रूप है, तुमको दिखने को मिल जाता है। अब आपने देखा एक दो तीन, अब ये सिंगुलर प्लूरल आईएनजी। अब बताइए कभी तुम्हें साइल बिल है बीन आज कभी मैंने ऊपर दिया? सीधा सा तुम्हें पता चलता जा रहा है, ये हमें बताने की कोई अब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे? तो इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने कह दिया राहुल इज रीडिंग
रीडिंग नॉवेल, नॉवेल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नॉवेल। देखो कौन सा फॉर्म है, टीचर इसको भी क्या पढ़ा देता है, क्या पढ़ा देता है? फोर्थ फॉर्म, जो कि हमने पहले ही दिन तुम्हें मना किया, इसको भी फोर्थ फॉर्म पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। या अगर तुम्हें दिक्कत है तो इसको डायरेक्ट कह सकते हो, हाँ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या अपनी भाषा में थोड़े एक्सीलेंट हो तो ऐसे बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव एक्शन। मेरी बात समझ रहे? ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब हो गया कि रूटीन जारी है, कंटिन्यूअस का मतलब रूटीन जारी है। अगर जिनको दिक्कत आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी में, बाकी आपको फर्स्ट फॉर्म तो पता ही है, बता दिया था, डू का डिड रख के बता दिया था, डन रख के थर्ड फॉर्म, अब यस यस तो गो, मेरा समझ रहे? जैसे लगाया यस लगा, बॉय प्लूरल बनाओ यस लगाओ, मेरे पास ये सारी चीजें आपको क्लियर आई। चलिए आपकी दो वर्ब्स यहाँ से क्लियर हो गई हैं, ज्यादातर इसमें क्योंकि देखो टाइम टेंस पढ़ा है तभी समझ में आएगा, ना तो वर्ब तो हवा में उड़ेगा, कहोगे फिर गड़बड़ हो गया। इसके बाद एक चीज और लाते हैं जिसमें आप लोग डिस्टर्ब होने की पूरी कोशिश होती है, क्या होता है, क्या होता है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? आ, नीड और नहीं, अभी फिलहाल में आप इस पे फोकस करो, नीड यूज टू और वो छोड़ो, हमने तुम्हें पढ़ाया प्रिंस, हाई लेवल नहीं, मैंने फिलहाल तो तीन लिखाई थी, डेयर डेयर, चलो डेयर लिख लेते हम, डेयर, मेरी बात समझ रहे? जो एक सीन है उस पे जाएंगे, मेरी बात समझ रहे? उस पे नहीं जाएंगे। अब देखना मॉडल इन तीन का, अब जितना सिस्टम बनेगा वो मॉडल्स होता जाएगा, बाकी इसी पे टैलेंट होता है, मेरी बात समझो। जैसे हमने कह दिया आई नीड अ बुक, मेरी बात समझ रहे? आई नीड अ बुक, मुझे आवश्यकता है, और जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो क्या करेगा? आई नीड नॉट बुक, मेरी बात समझ रहे? मुझे इस बुक्स की आवश्यकता या किताब की आवश्यकता नहीं है। अब इन तीनों चीजों से तुम्हें एक चीज सीखने की मिलती है, नीड मीन्स क्या होता है, क्या होता है? रिक्वायर या फिर जरूरत या आवश्यकता, जो हिंदी में तुम्हें आता हो। यूज टू क्या होता है बताओ, क्या होता है जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हो? प्रयोग। अब डेयर क्या होता है? करेजियस मीन्स क्या होता है? साहस। क्या होता है जिसको तुम बोलते हो? हिम्मत। कोई बढ़िया सी स्मार्ट सी बिटिया अगर तुम्हारे सामने आ जाए, तुम कह दो ए देखा क्या, वो तुम डायरेक्ट बोलती है हाउ डेयर ही, मेरी बात समझ रहे? हाउ डेयर ही, गौर से देखना, हाउ डेयर ही, उसकी ये हिम्मत। अब देखना तुमने क्या निकाला, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसा या फिर कैसी, मेरी बात समझ रहे? डेयर मीन्स साहस या हिम्मत, हाँ या ना, साहब ना लिख देना। ही मीन्स क्या होता है, वह या फिर उसका या फिर उसकी, मेरी बात समझ रहे? ऐसे मैंने कह दिया उसकी। अब ये बताइए कि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड यानी यच से स्टार्ट हुआ है, मेरी बात समझ रहे? अब डब्ल्यू से नहीं, यच से स्टार्ट हुआ है, तो देखा आपने हाउ डेयर ही, उसकी ये हिम्मत, उसका ये साहस, ये कहने की कोशिश की आपने। देखा अगर ये हाउ लगा हुआ तो तुम्हारी भाषा में क्या हुआ, कैसी
उसकी हिम्मत, हाँ या ना, ये तो हुआ उसकी कैसी हिम्मत। अगर हमने उसी चीज को ऐसे बोल दिया, क्या हिम्मत है उसकी, तो कोई दिक्कत, क्या साहस है, मेरी बात समझ रहे, ये हिम्मत, अगर जब हमने कह दिया ये हिम्मत, तो किसी की तो होगी, मेरी बात समझो, किसी की तो होगी। अच्छा गौर से बताओ, जैसे मैंने कह दिया मैं पेड़ के पीछे छुप रहा हूँ, तो अब बताओ जब मैं बोल रहा हूँ और ये भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं पेड़ के पीछे छुप रहा हूँ, अब उसमें तौलने की ज़रूरत क्या है भाई। सीधी सी बात, जब मैं छिपूंगा, पेड़ हटाओ, पेड़ हटाओ, तो किसी भी चीज़ के पीछे छुपूंगा। सपोज वहाँ पेड़ नहीं होगा, पापा खड़े, मम्मी खड़े, कोई फ्रेंड खड़ा, या कोई ट्री ले लो, उसी के तो पीछे खड़े होंगे। जब मैं छिपूंगा तो देखना, एक शब्द आपको क्या मिलता है, छिपना, मेरी बात समझ रहे, तो कहीं तो छिपेगा, चाहे भले तुम्हारे पीछे छिप जाए, तो इस चीज में सेंस होता है, उसी को तो टेंस कहते हैं। अब मैंने कह दिया आज धूप बहुत गर्म है, अब बताओ धूप गर्म होती है कि ठंडी, ऑब्वियसली धूप गर्म होती है, नहीं होती है। मैंने कह दिया यार ओस बहुत ठंडी लग रही है, अब ये बताओ ओस ठंडी नहीं, क्या गर्म गिरती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, वो हमें ना बताना है, ना किताबों को बताना है, वो तुम्हारा सेंस चलेगा उसमें, ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा। कब, उसी को कहते हैं डेयर, क्या कहते हैं उसी को, उसी को डेयर कहते हैं, यानी कह सकते हो उसको फीलिंग, क्या कह सकते हो, फीलिंग। अच्छा बताओ, हम इसको तुम्हारी पीठ पे चढ़ा कायदे से घुमा दें, तो तुम कहा कहो यार पेन का चलाया, दाग पड़ जाएगा। तुमने ये तो नहीं कहा काला दाग पड़ जाएगा, नीला दाग पड़ जाएगा, हरा, तुमने क्या कहा, दाग पड़ जाएगा। देखना यहाँ तुम्हारा सेंस चल रहा, क्योंकि तुम्हें 100% पता है कि मार्कर अगर पीछे चलेगा या पेन चलेगा, तो कोई ना कोई तो स्पॉट पड़ना तय है, सीधी सी बात है। तो इसलिए तुमने हिम्मत नहीं जुड़ा कि काला दाग पड़ रहा, सफ़ेद पड़ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं तुमने बोला। तो यही चीज कहाँ पड़ेगी, डेयर में, जिसको सास बोलते हैं। और जो सास नहीं जुटाते हैं, वो गोंगू और भोंदू बने बैठे होते हैं पीछे, और बच्चे कुछ भी लिखते हैं, लिखना है कॉपी में, लिख रहे पीछे, अरे देखा नहीं हो प्ले ग्रुप में जब 8 तक पढ़े हो, बच्चे यही तो करते हैं, पीछे लिख रहा है और कह रहा हमने नहीं, हमें नहीं मालूम, तो बगल वाले को मार रहा, मास्टर साहब आ रहे, दोनों मुर्गा बना रहे, यही तो कहानी चल रही थी। अब ये चीज आपने देखा कि मॉडल में भाई न्यूज टू, और वैसे अगर देखा जाए अपनी भाषा में देखोगे तो मॉडल तुमको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे एक चीज ऐसे आती है मैं कैन, मेरी बात समझ रहे, इसी को जैसे ही फॉर्म में चेंज करोगे माइट हो जाएगा, ये कुड हो जाएगा, जैसे देखो फिर इसके बाद किसी ने बोला था, नहीं बोला था और तो बोला था, तो देखो यूज, वैसे तो आपका माइंड वर्ब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन आपने देखा यूज के साथ आया यूज टू, तो आपका किस मॉडल वर्ब्स का काम करा। और मॉडल का मतलब एक ही चीज होता है, अगर तुमसे कोई बंदा ये थोड़ी देर के लिए कहता है तुम यार दिखने में हीरो लगते हो, दिखने में हीरो लगते हो, यानी अब तुम्हारा कंपैरिजन कहाँ गया, तुरंत बॉलीवुड में। अगर थोड़ी देर के लिए तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई यार दिखने में बिल्कुल हीरो लगता है, तो तुमने कंपेयर किससे करा, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, यही तो करोगे। जब तुम किसी का कंपेयर करते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, और वो बनती है मॉडल, क्या बनती है, मॉडल। सपोज मैं लिख रहा हूँ तो तुमने कहा क्या यार तरीका है, तो तरीका हो सकता तुमने हमसे बेहतर कहीं देखा हो, वो तुम्हारे अंदर इमेज का काम करा, दैट्स लाइक मॉडल, मेरी बात समझ रहे। अब ये तीनों तुम नोट कर सकते हो, उसके बाद हम आगे चले।
वैसे सिर्फ तुमको जो हमारे महान हैं, अच्छे लोग हैं, किताबें भी हैं, टीचर भी हैं, तुमको सिर्फ दो ही बार पढ़ाएंगे, ये याद रखना। और जब हमारे साथ चलोगे ना तो भंडार तुम्हें मिलेगा, फिर कहोगे सर ये क्या बताने लगे, ये ऐसे ही होता ही। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नेवर विल कन्फ्यूजन। कभी ना पढ़ो, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पढ़ोगे तो सीधी सी बात है आपको दिखना पड़ेगा। ये हो गया भैया रमेश, आगे बढ़ा जाए। वैसे अगर देखा जाए किसी टीचर की, तुमने इतने दिन हो गया, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करता क्योंकि अपना टीचर 100% देता, कोई भी टीचर होता अपना 100% देता, बस वजह थोड़ी थोड़ी छिपी होती है। कोई 100% देता है, कोई 100% देने की कोशिश करता है, दे नहीं पाता, ज्ञान खूब होता है, तो वो फर्क कहीं और नहीं स्टूडेंट पे पड़ जाता है। और स्टूडेंट के पास इतना वक्त तो होता नहीं भाई, मेरे एक अगर एग्जाम का चांस निकल गया तो तुम्हारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि दोबारा वो चीज़ फॉलो करो। भाई एयरफोर्स तो अलाउ करता है कि हम भाई 20 साल बाद तुम्हें लेंगे ही नहीं, तो तुम क्या लाइफ भर पढ़ते रहोगे, टाइम की बात होती है बस, ये चीज़ है। लेकिन वही चीज़, खैर ये भी चीज़, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कोशिश करके यहीं पढ़ो, आप अपने आप का दिमाग लगाओ, क्लास करो, उसके बाद डिसीजन खुद लो, क्योंकि अब बड़े हो गए। 18 साल का मतलब है, एक दिन अवस्था बताई थी, किशोरावस्था का मतलब भी बताया, किशोर ईशोर या उशोर, अब तुम बताओ, इधर आओगे उधर जाओगे, उधर चले गए तो मरोगे, इधर आओगे तो जियोगे, लास्ट में तो मॉडल फ्यूचर बनेगा ना। इधर आओगे तो नौकरी लगेगी, उधर जाओगे नौकरी नहीं लगेगी, गागी गे मॉडल आया। टेंस तो दो ही होते हैं, पढ़ाई तो वहां पे करनी पड़ेगी। अगला नंबर 4, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स और प्लस, वेरी गुड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं आप लोग? ले भाई नोट मत करो प्लीज, तुरंत समझ देंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम समझ देंगे, मेरी बात। अब बात करेंगे तो प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है कॉम्प्लीमेंट? सीधी सी बात है, नाउन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनको फाउंड किया जाता है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो गौर से देखो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूरक। मेरी बात समझ रहे? जैसे हमने कह दिया राम एंड श्याम को अर्लिंग ईच अदर, पूरक हैं एक दूसरे के, तभी तो लड़ रहे, वरना एक हथियार डाल देता। अच्छा तुम बताओ, गौर से सोचो, हमने कह दिया राम एंड श्याम को अर्लिंग ईच अदर, दोनों लड़ने में सक्षम है तभी तो लड़ रहे, अगर दोनों लड़ने में सक्षम ना होते तो क्यों लड़ाई करते, लड़ाई करने का कोई औचित्य नहीं बतलता। तो आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तुम बताओ प्रिंस जी। नहीं हाँ, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो और बाद में तुम्हें दिखने को मिल जाएगा लिंकिंग वर्ब्स में, हेल्पिंग वर्ब्स तो हो भाई 100% लिंकिंग वर्ब में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। चलो ठीक है, चलो जैसे बताओ, देखो यू आर रीडिंग अ बुक, देखो यू आर रीडिंग अ बुक जैसे कह दिया। अब यहां देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या है, मेरी बात समझ रहा है? नाउन भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद पूरी सारी जितनी भी रामायण आएगी वो किस में जाएगी, ऑब्जेक्ट में भी जाएगी, प्रेडिकेट में भी जाएगी, नहीं दो चीज मिलेंगी तुम्हें, फिर कहोगे सर ये क्या क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, एक प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद मिलेगा पूरा, सब्जेक्ट के बाद पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से रिसर्च नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जानने की कोशिश सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमें पता तो चल रहा यू मिला सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब्स है, ये क्या है मेन वर्ब्स है। सीधी सी बात है, हम थोड़ी देर के लिए क्या हटा रहे हैं, बुक, यू आर रीडिंग। अच्छा ये बताओ,
कोई चीज पढ़ने वाली हुई तो पढ़ेगा, या उसके सामने जलेबी रख दी जाओ कह रहा है यू आर रीडिंग, हाँ या ना? सच में देखो इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? एक देखना, जैसे आपके सामने आ रहा सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज आई वर्ब्स, मैंने नहीं बोला ये, तुरंत तुमने सोच लिया वर्ब्स, मैं पढ़ाऊंगा, तुमने वर्ब्स एकदम अपने माइंड में मिरर बना ली, एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन तुरंत बनता चला गया। बस वही सारी चीजें क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसी कॉम्प्लीमेंट को जैसे मैंने ऐसे तुम्हें बताया था, जैसे मैंने कह दिया राम और श्याम फाइटिंग ईच अदर, मेरी बात समझ रहे? अब बताओ जो ये राम और श्याम दिए फाइटिंग ईच अदर, मेरी बात समझना, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया, एक दूसरे से जब लड़ेंगे जब ये उस लायक होंगे, यानी यहाँ पर एक शब्द मैंने लगाया एवल, यानी ये योग्य हैं। अब ये ना कहना कि ये आईएस निकालने योग्य हैं, क्योंकि वर्ब तुम्हें क्या मिल गई, मैन वर्ब क्या मिल गई। अब यहाँ ये नहीं कहोगे जो योग्य हैं तो किस योग्य हैं, आपने क्या मिल गई वर्ब फाइटिंग यानी लड़ने के योग्य। तो ये बताओ ईच अदर, बताओ दो के लिए बताया था, दो आपको मिल गए, मैन बॉक्स मिल गई नहीं मिल गई। अब एक चीज तुम यहां से और समझो कि कभी भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग बॉक्स ना भी हो तो आपका काम कौन चलाएगा, कौन चलाएगा? अच्छा तो मैन मैन होता है नहीं होता है, मैन मैन होता। अच्छा तुम बताओ बारात जाए दूल्हा चला जाए, बारात जाए चाहे ना जाए, हाँ या ना? क्या दुल्हन नहीं आएगी, क्या बारात नहीं गई? कहने के लिए तो लोग उसमें तरह तरह के आपके व्यू देंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैन आदमी गया, जब मैन आदमी गया तो ऑब्वियसली उसका काम हो रहा है। अब आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब्स आपको समझ में आया होगा पूरा। चलो अगली क्या है, वेरी गुड। देखो अब वही कहोगे सर बब्स तो बढ़ रही हैं, बब्स नहीं बढ़ रही हैं, उनके तरीके अंदर से ही बढ़ाने की कोशिश की है तुम तक पहुंच जाएं, और तुम्हें प्रूव करके दिखाएंगे, मेरी बात समझ रहे? नंबर फाइव, रेगुलर बब्स। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए रेगुलर वर्ब्स में क्या कह दिया, ऐसे देखो कोई दिक्कत नहीं, टिप टिप्ड और टिप्ड, जैसे आपने बोला हेल्प और हेल्प्ड, फिर क्या बोला हेल्प्ड। अब देखो ये रेगुलर वर्ब्स क्यों है, तो तुमको एक चीज यहाँ पे, अब तुम कहोगे सर किताबों में नहीं मिल रहा है आपने जो पढ़ाया, हाँ ये सच है। अब ये मैं 100% सच नहीं करूँगा कि ये बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्म है मुश्किल है, रेगुलर वर्ब्स बन गई। रेगुलर कैसे, सच में देखना क्या ये जो आपका पॉजिटिव या सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें, अब बताओ क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। आपने देखा जब इसका सेकेंड थर्ड वर्ब बना तो आपने देखा कॉमन मिला, हाँ या ना? कॉमन मिला नहीं मिला? गौर से देखो कॉमन मिला, इसीलिए इसको नाम क्या मैंने दिया, रेगुलर वर्ब। आपने देखा टी 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 कॉमन मिला, रेगुलर वर्ब्स हुआ। फिर देखो पी ई डी इवन आई भी उठा के लो भाई मेरे, आई आई सब में मिल गया। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं, टी आई सब में मिला, हमने सिर्फ एक बब्स उठाया, रेगुलर बब्स बिल्कुल मिला। गौर से अब आगे मत लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं बिल्कुल। फिर वही बात है अंधे मिली पीतर बात दे रेखी भीतर, क्या मतलब आएगा, जब बोलो लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। नंबर सिक्स, अगर भाई सूर्य है तो उसका उल्टा भी है, दिन है तो उसका उल्टा भी है, रेगुलर है तो इरेगुलर भी है, नहीं है?
इरेगुलर वर्ब्स क्या है, यानी ये कॉमन सब मिल गए, वो कॉमन नहीं मिलेगा। हाँ या ना? जैसे मैंने करा गो, बेंट, और क्या लिख दिया, देखो ये मिला, ये मिला, बट ये नहीं मिला। गलत कह रहे, ओ मिला, फिर ओ मिला, फिर इसके बाद देखो नहीं मिला। अब बताओ टी किसी में मिला, यानी जो डिसऑर्डर रूप में अपनी कार्रवाई कर देगा वो कहेगा मैं नहीं मिलूंगा, वो कहेगा मैं मिलूंगा, यानी कहाँ मिला तुम्हें, इरेगुलर वर्ब्स, इसी को इरेगुलर। ये देखना रेगुलर वर्ब्स का कॉपी किया ही है इरेगुलर। अब नोट करो फिर आगे हम लिखेंगे। हो गया, हटा दूं भाई। जैसे देखो नंबर कौन सा है, 7 है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको गौर से देखेंगे ये बहुत प्यारा काम करेगा। ये इसको ऐसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में, वैसे मैथ का कोई रोल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिकल तुम्हें समझाऊँ। ट्रांजिटिव वर्ब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। इसको क्या बोलेंगे, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया की बात आ गई, यानी हर हालत में क्या होगा, इसमें क्या होगा बस यही चीज पकड़नी तुम्हें, क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और हर हालत में क्या होगा, अगर सकर्मक दिया है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अभी इसके पहले मैंने बताया था, नहीं बताया, जब स्टार्ट किया था तुरंत बताया था, मेरी बात समझ रहे। तो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक और अकर्मक की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि गौर से अगर इसको सकर्मक है, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया आई एम गोइंग, गोइंग टू ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, आई एम गोइंग टू गोवा। अच्छा गौर से देखो क्या मिला, सब्जेक्ट, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, मैन वर्ब, फिर क्या मिला, प्रीपोजिशन, फिर क्या मिला मिल गया ना, नहीं मिल गया, मिल गया। अब तो आपने देखा कि हमको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी हर हालत में ये कैसी वर्ब है, कैसी वर्ब्स है आपकी, ट्रांसिटिव वर्ब्स है। जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं बताए, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ट्रांसिटिव है या नहीं है। अब देखना गौर से, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए कर दिया ऐसे, आई एम लाफिंग, क्या मिला, क्या मिला, अब क्या मिला, तो बताओ भैया ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कौन सी वर्ब बन गई,
आई भी लिख लेंगे, आई टी भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंट्रान्सिटिव वर्ब। अब समझ में आया नहीं आया? जब ना आया हो तो रोक देना। यानी टोटल कितनी हुई? 8 हुई। यानी आगे बढ़ा जाए, पहले तो मजा आ जाए, पहले पूरी एक बार। हाँ नोट कर लो, नोट करो, पहले नोट कर लो। हाँ लिख लिया था टी आर ए। हाँ यहाँ पे लिखा है, टान लिख दी ना, देखो टी आर ए एन एस आई टी। और इसमें देखो इंट्रान्सिटिव भी ऐसा ही लिख गया था, देख लो कोई दिक्कत नहीं। टी आर ए एन एस आई टी आई वी ई ट्रांसिटिव वर्ब्स। हो गया रमेश बाबू? चलो देखो, अभी 1 घंटा तो नहीं हुआ, अरे कितनी तेज चल रहा है, कितना हो गया? 5-6 तो 1 ही घंटा हुआ है। चलो का आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बस का अंतिम आए, परेशान ना होना, अंतिम आए। लेकिन वो चीज अंतिम नहीं है जो चीज तुम्हें एग्जाम में मिलेगी। जैसे एग्जाम में क्या मिलेगा? जो तुम इंटर में पढ़ के आए हो, ही के साथ हैव दिया, हटा बेटा हैव नहीं आएगा, आया जाएगा। मेरी बात समझ रहे? आई के साथ डज दिया, हटा बेटा डज नहीं डू आएगा। मेरी बात समझ रहे? यू के साथ डिड दिया, तो डिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आगे मैन वर्ब डिसाइड करेगी। मेरी बात सुन, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा, नहीं तो पिड्डू आएगा। यही तो कहानी है, तो कहानी उल्टी नहीं चलेगी, कहानी में दम होगा। अगला देखो भैया, कौन से नंबर है? 9 नंबर है। क्या बना? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। अब रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे अरे पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाता हमने। कहा था अगर नाउन प्रोनाउन अच्छा नहीं है, वर्ब्स उल्टी होने लगे। देखो अभी तो मैंने प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव निकाला था, नाउन भी निकाला। आप देखो, कोई कह सकता है कि ये भी निकलेगा, निकाल दिया। अब देखना रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की जब हम बात करेंगे तो ये अपने आप में कंडीशन क्या होगी? सेल्फ होगी। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? निजवाचक क्रिया, अपने आप में। मेरी बात समझ रहे? जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया सी सी डू हिम वर्क, यहां रिफ्लेक्सिव की बात हो गई है। मेरी बात समझ रहे? गौर से देखो, अगर यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए ही भी लिख लेता हूं तब भी क्या हमारा सही है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट मिलना रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। तो आपने देखा मैंने सब्जेक्ट क्या दिया था? फीमेल। क्या दिया था मैंने? सब्जेक्ट फीमेल दिया था, और वो भी सी दिया था। तो सी जब दिया था, सिंगुलर नंबर सी होता है, यानी डू नहीं, फिर क्या आएगा? डज आएगा। और हिम नहीं, और क्या आएगा? क्या आएगा? हर सेल्फ। सी डज हर सेल्फ वर्क, उसने अपना काम किया। अच्छा तुम बताओ रिफ्लेक्सिव कराएं या ना कराएं? तो उसमें तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव जैसे दिया जाता है, अब ये बताओ कह दें मैंने पाठ याद किया, तो बताओ क्या चोर याद करने आएंगे? कौन याद करेगा? मैं खुद ही तो करूंगा। मैं नहाता हूं तो बताओ का तुम नहाओगे? यानी माइक, इसीलिए वो जुड़ के बनाया गया। मैं नहाता हूं, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, बना उसी से। जो खुद की बात करेगा वही रिफ्लेक्सिव। सी
SHE याद करो, हर सेल्फ नहीं मिलता है। अब बताओ जैसे मैंने कह दिया माई सेल्फ हिडन, मैं छुप रहा हूँ, तो देखना आई माई सेल्फ मिला, यानी खुद में आता उसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, दूसरे को हमें रिफ्लेक्सिव यानी अपने आप में देखना। अब आपका अगर ही दिया होता तो क्या बनता, क्या बनता भैया में क्या बनता है यहाँ, हिमसेल्फ। यानी इनको अंडरलाइन ना करके डैश करके आप क्या बना सकते हो, रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब नोट कर लो फिर आगे चलें, ज्यादा नहीं है, दो और हैं, काजिश खत्म कर देंगे अभी कहाँ, हाँ और का, इस शॉर्टकट इससे बड़ा शॉर्टकट कहाँ से लाएंगे हम अंग्रेजी में तुम परेशान ना हो, हम तो 10 बार रिवीजन मरवा देंगे। और सुनो, ये भी नहीं कि सिर्फ ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पढ़ाई हो, तुम्हें कोई मेरी जगह कोई और होता तो लिखाता, इतने किताबें भराता, कहता काम हो गया। अब ये सच है, पूरी किताब में नहीं आता पूरी किताब, और जो आप एक्सरसाइज करना, अब कोई किताब उठा करना, तुम्हें सारी चीज मिलेगी, वहीं से सब पकड़ लोगे भैया। हो गया है किताब हो जाएगी, काय परेशान हो, इससे बड़ा गेम क्या होगा, किताब किताब की टेंशन ना लो, अभी मार्केट की किताबें पढ़ लो, जब मेरा नंबर आएगा तब मैं किताब दे दूंगा या करवा दूंगा, इतना कम है, नोट्स दे देते पूरा क्वेश्चन आता बहुत कहीं ऐसा ना हो सिलेक्शन के चक्कर में मास्टर बन जाओ कहीं, ऐसा ना होने देना बस। देखो अगली है हैपनिंग, क्या है आपकी नंबर 10 है 9 क्या मिलेगी आपकी हैपनिंग, तो हैपनिंग देखना, हैपन मैंने कह दिया व्हाट हैपन, भैया लिख नहीं, लिख नहीं मेरा भाई, लिख नहीं बस तुरंत यहां देख, इसका मैं मौका देता हूं 1 मिनट का, परेशान ना। अब देखना हैपनिंग वर्ब्स, मैंने क्या बात की हैपनिंग वर्ब्स, अब देखना वर्ब तो तुम्हारी सिर्फ दो ही थी, हेल्पिंग मैन, हमने 10वीं कहां से ले आए, पूरा सेंटेंस का टेंस का चिथड़ा उड़ रहा है, अभी ये तब भी ना आए तो गलत है। देखो हैपनिंग मीन्स, हैपन मीन्स होती है कोई घटना, मेरी बात समझ रहे, यानी इसको धीरे से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सडन, मेरी बात समझ रहे, यानी तुमको होना चाहिए क्या, सडन फीलिंग, अचानक से, मेरी बात समझ रहे, और जिसमें तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, मम्मी पापा का, किसी का, यानी औरों का कोई योगदान नहीं है, वही कौन सी वर्ब्स है, यानी जिसका किसी में कोई का योगदान नहीं है वही कौन सी वर्ब्स है। अब हम उसको लिखें तो पागल हो जाओगे, जैसे देख लो, योर बाइक स्टॉप्ड, इट इज रेनिंग, बस यहीं से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। गौर से देखो, जैसे मैंने कह दिया इट इज रेनिंग, बताओ तुम्हारा 100% योगदान है, तुम्हारे पापा का होगा या तो मम्मी ने कहा होगा मकाई सूख रही है चलो आज पानी बरस जाए, यानी तुमको क्या मिलेगा, घटना, यानी सडन फीलिंग, अचानक। अच्छा तुम गाड़ी में बैठे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, अचानक पेट्रोल खत्म हो गया, किसी का योगदान नहीं है, क्या तुमने चाहा था, सही बताना, क्या तुमने चाहा था भगवान जब मैं कानपुर जाऊं बीच में बंद हो जाए, नहीं चाहोगे, जब नहीं चाहोगे तो कौन सी फीलिंग है, सडन, यानी इसको हैपनिंग बोलेंगे, मेरी बात समझ रहे। अब देखना योर बाइक स्टॉप, चलते चलते पता नहीं कार वेटर जम गया, प्लग खराब हो गया, टायर पंचर हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को मालूम नहीं है, यानी जब किसी को नहीं मालूम है तो कौन सी वर्ब्स आ गई, हैपनिंग वर्ब्स। कहानी यहां पे नहीं खत्म होती है, मेरी बात समझ रहे, कहानी यहां पे तो खत्म नहीं होती है। अब इसमें अगर नोट करो करो फिर हम बड़े आगे,
अब चाहो तो लिख लो, फिर इसके बाद आगे बढ़े। हो गया बीच में ना नोट किया करो, जब मैं टाइम ना दूँ तब तो मेरी गलती। टाइम इसीलिए दे देते हैं क्योंकि समझोगे नहीं अगर तो फिर क्या बन जाओगे, क्या बनोगे जब समझोगे नहीं? कुछ भी होएगा, कुछ भी होएगा तो क्या होगा? सडन, या तो लिखोगे या पढ़ोगे या भूल जाओगे, तब तो यही होगा। अगला कौन सा है बेटा, कौन सा है? आ? कौन सा है? नहीं पढ़ा कभी, पढ़ो ही के नहीं, क्या आएगा? नहीं, क्या बनेगा? एम्प्टी वर्ब्स। आप बताओ खाली वर्ब्स का मतलब क्या है? खाली वर्ब्स का मतलब, अभी तक तुम दिमाग लगाओ फिर मैं बता देता हूँ। खाली वर्ब्स का मतलब तुम हमें बताओ, कोई एग्जांपल दे दो। पगला कहीं का। कहोगे कहाँ कहाँ से ये चीज आती है? ये आती है, इसी को एम्प्टी वर्ब्स कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं सुपरफ्लस। क्या कहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एम्प्टी वर्ब्स का मतलब, अगर ये जा रहा है, ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, वो जा रहा है, तो बता भैया ये बाघ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जब वो जा रहा है, बाघ भी कर रहा है, जा भी रहा, इसी को क्या हम कहेंगे? मेरी बात समझ रहे? इसी को क्या कहेंगे हम? एम्प्टी वर्ब्स। यहां से चीज तुम्हें समझ कि तुम्हें जब सेंटेंस में लगे कुछ, और नहीं सेंटेंस पूरा सही, सेंटेंस में गलती मत करना, सेंटेंस पूरा, सेंटेंस के अंदर भी अगर तुम चाहोगे, अगर ठीक से अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम अगर चाहोगे तो सेंटेंस के अंदर एरर निकलेगी। हाँ, उसकी एरर निकलेगी। सेंटेंस के अंदर कैसी एरर निकलेगी? देखो अगर तुम चाहोगे, देखो सेंटेंस तो पूरा सही, ही गोज फॉर वॉक, वो जाता है टहलने एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह टहलने जाता है। एक तो जाता है, दूसरा चलता है। भैया जाएगा नहीं तो क्या चलेगा? बताइए कि अगर मैं चलूंगा नहीं तो तुम्हें कैसे आवास होगा? नहीं होगा ना। आज की क्लास को यहीं पूर्ण विराम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल, हाँ नोट कर लो, फिर कल आपको मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे हम। इतना तो बहुत है, अब आप इसके बारे में कल पता करेंगे जब प्रैक्टिस बैच में आएंगे। बाकी भैया मेरे सज्जन, मेरे बड़े भैया जेंटलमैन लाइव वाले, कृपया करके मेरा नंबर नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर शेयर करें। 9005161912, यही कॉलिंग वाला, यही व्हाट्सअप पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, खासतौर संडे को, कभी का मतलब रात के 12 बजे मत कर देना। सीपीओ सीडीएस लेवल सब में आएगी, परेशान ना हो। चलो ठीक है, इसको उसको उतार लूं।